हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़िम व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे अपने अपना पूरा व्लॉग शेयर करूंगी दिवाली का। एंड दिवाली पार्टी में हम लोग गए थे, दिवाली में सेलिब्रेशन था। और ये है स्क्रैच, ये है बर्तन साफ़ करने वाला। मैं बर्तन साफ़ करने जा रही थी तो मैंने सोचा छोटा सा ये आपसे मैं शेयर कर लेती हूँ। पूरा मंथली चलता है और एक से एक फ्री भी होता है, तो आप ज़रूर लेके आए। एंड यहाँ पे मैं जा रही थी रेसिपी बनाने, अपने जो अरबी के पत्ते होते हैं, काले वाले अरबी पत्ते, उसकी रेसिपी बना रही थी। बहुत ही क्विक एंड इजी, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पत्ते वॉश कर काट के बेसन में मिला के पकौड़े की तरह मैंने इसको सेक दिए हैं। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी होते हैं ये रेसिपी। तो मैं बनाने जा रही थी, मैं आपसे मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे लिपट में हमारे 5 मिनट में कुक हो रहे हैं, उसके बाद में ये हमारी रेसिपी बन के रेडी हो गई है। एकदम ड्राई रेसिपी होती है और बहुत ही क्विक एंड इजी बनाई है। एंड इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, फुल वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी चैनल पे जाके। एंड यहाँ पे हम लोग को जाना था एक दिवाली, अमायरा की मैम ने इनवाइट किया था दिवाली पार्टी में। तो हम लोग, ये मेरी अमायरा का आउटफिट है, जीन्स है एंड टी शर्ट है, वही पहनने वाली है, उसकी दादी लेके आई थी। तो बहुत ही लाइट कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है टी शर्ट ये। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी अमायरा को रेडी कर दिया था, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही क्यूट लग रही थी मेरी अमायरा, जाने के लिए रेडी हो गई थी। ये उसका आउटफिट था और ये है उसका यूनिकॉर्न हॉर्स, बहुत ही प्यारा है, जो कि उसके मामू लेके आए थे। आप जाके वीडियो पे चेकआउट कर सकते हैं, फुल वीडियो अपलोड है। एंड ये देखिए यहाँ पे हम पार्टी में पहुँच गए हैं। यहाँ पे मेरा अर्श है, बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहा था और डांस कर रहा था। बस थोड़ा सा ना डांस किया उसने, बहुत ही प्रिटी सा क्यूट सा, उसके बाद में शर्मा आ गया, उसके बाद में सब बच्चे ही मिलके इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, काफ़ी बच्चे मतलब, और अभी तो इतने ही बच्चे आए थे, फिर बाद में लास्ट में काफ़ी बच्चे आए थे। तो ये देखिए, ये छोटा सा जो बेबी देख रहे हैं ना आप ब्लू कलर की शर्ट में, ये बहुत ही अच्छा डांस करता है, बहुत ही एनर्जी फुल, मतलब ये कंटिन्यू जब तक वहाँ पार्टी चलती रही, फंक्शन चलता रहा, तब तक वो कंटिन्यू डांस करता ही रहा और बहुत ही अच्छा डांस करता है वहाँ पे। एंड यहाँ पे अमायरा है, मैम की बेटी है, दोनों मिलके ही डांस करते, खूब इंजॉय करते। अमायरा ने तो खूब डांस किया, मतलब कंटिन्यू वो भी डांस करती रही, बिल्कुल भी रुकी नहीं। बहुत सारे डांस पे उसने गानों पे डांस किया था। यहाँ पे देखिए अर्श अब थक गया था डांस करके, तो रेस्ट कर लिया, मैं रेस्ट करने लगा, मगर बच्चे हैं सारे, वो कंटिन्यू डांस करते रहे, उनकी पार्टी चलती रही। यहाँ पे मैम भी देख रही थी, उनकी बेटी थी यहाँ पे, सभी लोग, तो बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डांस मैं भी करने लगी हमारे के साथ में, अर्श के साथ में। उसके बाद में हम घर पे आ गए थे, उसके बाद में मैं अपनी सफाई में ही लग गई, वही कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में पेंट हुआ है। पेंट करने के बाद में जो अब घर की सफाई होती है, बहुत ही मुश्किल सफाई होती है करना, मतलब जो वाइट पेंट का छूट जाता है, पेंट रह जाता है, उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल साफ़ होता है। यहाँ पे मिठाई आ गई थी दिवाली की, सभी लोग देने के लिए आ गए थे शाम के टाइम में। तो ये है काजू कतली, जो कि आजकल बहुत चल रही है, हर कोई काजू कतली ही खा रहा है, और मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है काजू कतली, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। और ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी होती है और शुगर फ्री भी होती है, कम शुगर की होती है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अमायरा सबके हाउस देख के रो रही थी, मम्मा अपना हाउस में कब लाइट लगाओगे? मैंने बोला बेटा पेंट चल रहा है, पेंट जस्ट दिवाली के एक दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। तो अमायरा बहुत दिनों से कह रही, मम्मा सबकी घरों में लाइट लग गई, आप प्लीज़ मेरे घर में भी हाउस में लाइट लगाओ। तो मेरे पास जो लाइट रखी थी वो मैंने लगा दी है, और स्कूल के लिए जो दिया लेके गई थी उसका दिया बच गया था, तो इसलिए उसने कहा मम्मा मुझे दिया भी लगाओ। तो और कह रही थी मम्मा मुझे लगाओ, यहाँ पे दादा दादी आए थे बच्चों के लिए थोड़े से पटाखे ये वाले, जो कि बच्चे खूब इंजॉय से इसे सेलिब्रेट करते हैं और फोड़ सकते हैं, बच्चों के हाथ में लगता है। इस तरीके के छोटे छोटे बस उनको फेंक के मारना होता है और फूट जाते हैं। तो बच्चे हमारा रो रही थी बहुत ज़्यादा कि मुझे फुलझड़ी चाहिए, मुझे अनार छोटे छोटे चाहिए, कह रही थी। यहाँ पे बच्चे, ये हमारे सामने वाले जो पड़ोसी है, ये उनका हाउस बहुत ही प्यूटी हाउस लग रहा था उनका,
तो मायरा बहुत ही मतलब देख रही थी और रो भी रही थी। अब दोनों यहाँ पे फोड़ने लगे पटाखे, कह रही थी मुझे नीचे जाके पटाखे फोड़ने हैं। अब वो अपने बच्चे अपने डैडी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, मतलब डैडी नहीं आए थे, काफ़ी दिन हो गए नहीं आए, डैडी छुट्टी नहीं मिल पाई ऑफिस की तो नहीं आ पाए हैं। बच्चे अपने डैडी को बहुत मिस कर रहे थे, अब डैडी होते तो नीचे जाके अपने मतलब पटाखे फोड़ देते। तो वो कह रही थी मम्मा नहीं मुझे जाना है नीचे, नीचे जाके बाहर फोड़ना है। अब दिवाली पे तो आप जानती हैं कि कितने पटाखे होते हैं, डर भी होता है बच्चों का कि कोई भी हम किसी को भी बोल नहीं सकते हैं। मैं तो दिवाली के दिन मतलब बची गई। दिवाली मेरी विंडो, मेरे रूम की विंडो ओपन हो रखी थी और बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे विंडो से, तो विंडो से आगे मेरे रूम में गिरा था बम, बस मेरे पैर के पास ही फटा था, बस ये कि कुछ हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद में यहाँ पर फुलझड़ी, मैं बच्चों को फुलझड़ी लेके आके बच्चों को मतलब मायरा आज डर भी रहे हैं और उनको मतलब पटाखे फुलझड़ी फोड़ना भी है। और आज तो गुस्सा ही हो गया कि मैंने क्यों नहीं जलाई, तब जला रही थी तो वो पकड़ ही नहीं रहा था, डर रहा था वो। यहाँ पे हमारे सामने वाले जो पड़ोसी हैं भैया हैं, वो देखिए बहुत ही प्रिटी सा पैराशूट लेके आए थे, तो यहाँ पे पैराशूट उन्होंने जलाया और देखा बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। आर्श हमारा उनके भी बच्चे सभी लोग बहुत मतलब बहुत देर से देख रहे थे। हमारा तो कह रही थी मैं तो इससे विश मांगूँगी कि मेरे जल्दी डैडी आ जाए तो मैंने कहा बेटा आ जाएंगे कोई बात नहीं है, ऑफिस गए हैं आपको छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से। यहाँ पे पैराशूट हमारा चले गया। उसके बाद में ये देखिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि मेरे घर में पेंट हुआ था, तो जो सफ़ेदी वाले भैया थे उनसे मेरी तस्वीर जो हमारी शादी की है जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है तो वो गिर गई थी, तो मैं उसी को लेके जा रही हूँ शॉप पे उसको ठीक कराने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, मैं दिखाऊंगी कि मैंने ठीक करा के कैसी आई है। तो ओके बाय बाय, तो वीडियो को फुल वॉच करना गाइज़।